आपको ये बताऊं, कोई संस्था हो बिना पैसे के नहीं चलती है। अगर आज हमें कोई संवैधानिक या सामाजिक प्रोटेस्ट करना है तो उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ टीम भी चाहिए और बिना पैसे के दोस्तों कुछ नहीं होता। अगर हम अपने लोगों के बीच में जाएं और अपने आगे ही झोली बनाए तो उसमें हाथ क्या है। तो हमें तो अपने समाज को जो पहले भी सोया हुआ था आज पढ़ा लिखा भी सोया हुआ है। तो अगर ऐसे ही कार्यक्रम इसलिए कि जागे हम और अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसमें कुछ शर्म भी नहीं होनी चाहिए, तो सबको खुल के दान देना चाहिए। सबसे पहले एक तो ये प्रार्थना है, क्योंकि आजकल वकील कोई सस्ते नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के तो बिल्कुल ही सस्ते नहीं है, तो इसलिए पैसे तो खूब दे और हम भी जाएंगे सबके बीच में, क्योंकि पैसा फेस वैल्यू के ऊपर नहीं, तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली ये बात है कि हमारी अगर सबने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, अगर हमें लगे कि पार्लियामेंट का भी घेराव करना है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए, क्योंकि सभी यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, डरते हैं कि इसी दम पे ही हमारे घर बार चलते हैं, उस रिस्क के भी बचना है, उसके लिए हमारी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जो वकील साहब बैठे हुए वो हमें बताएंगे, तो हम करेंगे ऐसा कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट को भी घेरा जा सकता है अपनी मर्जी मर्यादाओं के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से। तो मेरा एक सुझाव है आप लोगों से, अगर हम अपनी बात किसी से रिप्लेस कर पाए तो ये भी एक धन्यवाद इसी के साथ। धन्यवाद सर।